हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट करेंगे। हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं 16 क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा 10 की पावर 4x, तो इसे हम ब्रेक करके लिखेंगे 10 स्क्वेयर x इंटू 10 स्क्वेयर x। अब हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस 10 स्क्वेयर x इक्वल टू secant स्क्वेयर x, तो 10 स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, secant स्क्वेयर x -1। अब इसे यहाँ फिल कर देते हैं, 10 स्क्वेयर x secant स्क्वेयर x -1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 10 स्क्वेयर x इंटू secant स्क्वेयर x और नेगेटिव 10 स्क्वेयर x dx। अब यहाँ 10 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सीकेंट्स 10 का डेरिवेटिव secant स्क्वेयर x dt/dx, तो secant स्क्वेयर x dx किसके इक्वल आ गया, dt के। तो यहाँ हमारे पास 10 को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, t, और secant स्क्वेयर dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, dt, और 10 स्क्वेयर को हम क्या लिख देंगे, secant स्क्वेयर x -1। t की इंटीग्रेशन t² / 2 और secant स्क्वेयर की इंटीग्रेशन 10x और 1 की इंटीग्रेशन x। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 10 नेगेटिव 10x, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हमारा 16 क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 17 है हमारे पास, sin³x + cos³x / sin²x cos²x। तो साइन क्यूब के नीचे इसे अलग कर देते हैं, sin²x cos²x + cos³ के नीचे अलग sin²x × cos²x। अब ये sin² के साथ ये क्यूब कैंसिल, ये cos² के साथ क्यूब कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या रह गया, sin x डिवाइड में cos²x है, उसे हम लिख सकते हैं cos x × cos x, और यहां cos x sin² को हम क्या लिख सकते हैं, sin x × sin x। अब हमारे पास sin/cos हमारे पास क्या हो गया, 10x और 1/cos secant x, cos/sin cot x और 1/sin cosecant x। secant x × tan x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स की माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा 17th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं 18th क्वेश्चन। cos²x + 2 sin²x / cos²x। अब हमारे पास cos²x की आइडेंटिटी है sin² में भी, तो वो क्या है, 1 - 2 sin²x। अब ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आइडेंटिटी को, 1 - 2 sin²x + 2 sin²x / cos²x। अब sin² कैंसल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/cos²x, cos², 1/cos² = secant², तो secant² की इंटीग्रेशन क्या है, 10x + c। तो ये हमारा 18 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं 19 क्वेश्चन। 1 / sin x / cos³x, तो इसे हमने यहां हम 10 क्रिएट करना है, तो 10 कैसे क्रिएट होगा, तो यहां डिवाइड में कॉस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉस के साथ डिवाइड कर देंगे साइन को, और कॉस के साथ ही मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब क्या हो जाएगा, cos⁴x। तो sin/cos हमारे पास क्या हो गया, 10x × cos⁴, और 1/cos क्या होता है हमारे पास, secant, तो यहाँ क्या आ जाएगा, secant⁴ tan⁵x। अब secant को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, secant²x × secant²x / tan⁵x। अब ये जो secant स्क्वेयर है, इसे हम लिख सकते हैं 1 + tan²x / tan⁵x।
हमारे पास क्या क्वेश्चन बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स डिवाइड में टेन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो अब हम टेन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो टेन एक्स टी, टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वेयर एक्स टी टी डिवाइड बाई डी एक्स। तो डी एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स डी टी। अब देखो सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, डी टी। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बन जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइड में टी और डी टी। तो हमारे पास है 1 बाय टी डी टी प्लस टी स्क्वेयर डिवाइड में टी डी टी। तो ये दोनों कैंसिल, टी रह गया, 1 बाय टी की इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ टी और टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाय टू। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, टी की वैल्यू क्या है, टेन। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन एक्स प्लस टेन स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाय टू। तो ये हमारा 19th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन, कॉस 2x डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर। तो यहाँ कॉस 2x की आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। तो कॉस 2x की आइडेंटिटी हमारे पास कॉस स्क्वेयर एक्स नेगेटिव साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर। तो ये स्क्वेयर के साथ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हम कॉस एक्स प्लस साइन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स साइन का कॉस और टी का डी टी बाय डी एक्स। तो हमारे पास इसे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इधर मल्टीप्लाई हो गया डी टी। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, डी टी के, और 1 बाय टी, 1 बाय टी की इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ टी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, टी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हमारा है 20th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स कॉस ऑफ एक्स। तो हमने क्या करना है, पहले कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, हमने 10th में भी पढ़ा है, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स। तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो साइन के साथ साइन कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, पाई बाय टू माइनस एक्स। अब पाई बाय टू तो कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन पाई बाय टू इंटू एक्स और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय टू। तो ये हमारा 21 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज 22 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये याद रखना है, अगर डिवाइड में दोनों कॉस है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, साइन के साथ मल्टीप्लाई और साइन के साथ डिवाइड, ठीक है। अगर सेम साइन हो, यानी जहाँ दोनों साइन साइन हो जहाँ दोनों कॉस कॉस हो, तो क्वेश्चन में हमने क्या करना है, साइन के साथ मल्टीप्लाई और साइन के साथ डिवाइड। एंगल की बाद में बात करते हैं, अगर ओपोजिट हो, यहाँ साइन हो यहाँ कॉस हो, जहाँ कॉस साइन हो, तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना, ओपोजिट में कॉस के साथ मल्टीप्लाई और कॉस के साथ डिवाइड। ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन के साथ मल्टीप्लाई, एंगल की बाद में बात करते हैं, यहाँ साइन के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड में हमारे पास कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब एंगल क्या होगा, ये जो दोनों एंगल है ना, इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लो, एक्स माइनस ए नेगेटिव एक्स प्लस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स के साथ एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, बी माइनस ए। तो एंगल क्या रखेंगे, बी माइनस ए और बी माइनस ए, ठीक है। अब हमने ये किसकी वैल्यू है, बी माइनस ए की वैल्यू है, तो बी माइनस ए को हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बी माइनस ए हमारे पास क्या वैल्यू थी,
यही वैल्यू है हमने सब्ट्रैक्ट किया, एक्स माइनस ए और माइनस एक्स माइनस बी। जो हमारे पास बी माइनस ए था ये कहाँ से आया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया, तो हमने बी माइनस ए की वैल्यू फिर से यही फिल कर दी। ठीक है, अब हमारे पास ये साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई होगी। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, तो वन अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए, तो यहाँ हमारे पास साइन ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, इसके अलग इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग कर दो, नेगेटिव कॉस ए साइन ऑफ बी डिवाइड में कॉस कॉस एक्स माइनस ए और कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब ये कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, साइन ऑफ बी माइनस ए साइन पॉन कॉस टैन ऑफ एक्स माइनस ए और साइन पॉन कॉस टैन ऑफ एक्स माइनस बी, तो ये वैल्यू बची। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, सॉरी टैन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, और यहाँ नेगेटिव पहले ही है तो पॉजिटिव हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। अब हमारे पास ये लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ ए डिवाइड बाय बी, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वन ओवर साइन ऑफ बी माइनस ए, ये हमारे पास ए ये बी, तो लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी, इसके आगे नेगेटिव है तो ये डिवाइड में आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 22 क्वेश्चन का। ठीक है, बस ये बात याद रखनी है, अभी अगर सेम आ जाए कॉस कॉस आ जाए तो साइन के साथ डिवाइड और साइन के साथ मल्टीप्लाई, अगर ओपोजिट आ जाए, अगर सेम सेम आ जाए साइन के साथ, अगर ओपोजिट आ जाए तो कॉस के साथ मल्टीप्लाई कॉस के साथ डिवाइड। तो चलते हैं 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन है साइन स्केयर एक्स माइनस कॉस स्केयर एक्स डिवाइड में साइन स्केयर इंटू कॉस स्केयर, तो हम इसे अलग अलग कर देंगे, साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस स्केयर एक्स, तो ये साइन स्केयर के साथ साइन स्केयर कैंसिल, कॉस स्केयर के साथ कॉस स्केयर कैंसिल, तो वन बाय कॉस स्केयर इज सीकेंट स्केयर और वन बाय साइन स्केयर इज कोसीकेंट स्केयर। सीकेंट स्केयर की इंटीग्रेशन टेन एक्स और कोसीकेंट स्केयर की नेगेटिव कॉट, तो ये नेगेटिव तो पहले ही है तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉट एक्स, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, तो हमारा ए ऑप्शन आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ई एक्स वन प्लस एक्स कॉस स्क्र ई एक्स ई टू एक्स, तो देखो ये जो ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव ग्राफ कम में करके देख लो, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स एज इट इज ई एक्स का डेरिवेटिव, ई एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव, ई एक्स कॉमन एक्स प्लस वन, देखो वही बन रहा है जो न्यूमिनेटर में, तो हम किसे सब्सटीट्यूट करेंगे एक्स ई एक्स को टी, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल एक्स एज इट इज ई एक्स का डेरिवेटिव, ई एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव वन और टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ इन दोनों में से ई एक्स कॉमन, तो एक्स प्लस वन डी एक्स डी टी, तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी और डिवाइड में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ टी, कॉस स्क्वायर टी वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी सीकेंट स्क्वायर टी, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है टेन ऑफ टी प्लस सी, अब टी की वैल्यू क्या है एक्स ई एक्स प्लस सी, तो ये हमारे 24 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 7.4 स्टार्ट करेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल और इसे शेयर जरूर कर दो।